गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 पे है और एक्सरसाइज है आपका 17.1। कह रहा है कि यदि बिंदु ए ए कॉमा बी तथा बी सी कॉमा डी मूल बिंदु पर एक समकोण बनाते हो तो साबित करें कि ए सी प्लस बी डी बराबर जीरो। चलिए चलिए इसको साबित करके देखा जाए। तो इसको आप दो तरीके से, आप निर्देशांक अक्ष भी ले सकते हैं और सिंपली फिगर भी बना के बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं। चलिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया और इधर आपका y डैश हो गया। ठीक है, एक बिंदु यहाँ a ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है a कॉमा b। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं b जिसका निर्देशांक है c कॉमा d। इसको कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, तो a और b ये जो दो बिंदु देख रहे हैं वो मूल बिंदु के साथ कितना कोण बना रहे हैं, तो समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। चलिए इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया ओ जिसका निर्देशांक है 0.0। चलिए तो लिखेंगे कि माना माना बिंदु बिंदु ए ए कॉमा बी तथा तथा बी सी कॉमा डी मूल बिंदु ओ 0.0 पर समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। तो देखिए ना, ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया ना। चलिए तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर यहाँ दूरी सूत्र लगाना होगा ना, या फिर ऐसे भी देख रहे हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा ओ बी का स्क्वायर यानी यहाँ इसको हो जाएगा ये आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए ए बी कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से ना। चलिए स्क्वायर है तो यहाँ भी रूट नहीं लगाएंगे, हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। इधर तो ऐसे ही रहेगा, हमें बराबर के उधर फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए यहाँ लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, इसका भी बी स्क्वायर माइनस टू बी डी और प्लस में डी स्क्वायर। तो ए बी सी डी स्क्वायर ये सब चारों कट जाएंगे ना। चलिए अब इन दोनों को माइनस में इधर भेज देते हैं, टू ए सी और प्लस में टू बी डी बराबर में जीरो। टू कॉमन करके उधर भाग में भेज देंगे, प्रूफ हो जाएगा। चलिए टू कॉमन कर दीजिएगा। चलिए अब इसको भाग में भेज देंगे, जीरो में भाग होगा तो जीरो ही ना हो जाएगा, यानी ए सी प्लस बी डी बराबर जीरो, ये आपका साबित हो गया। समझ गए। चलिए अगला